मी 8 वर्षाची होती तेव्हापासून ह्या कामामध्ये आहे. आई बापा होते 8 वर्षापासून मी हे भंगारचं काम करते. मग लग्न झालं, लेकरं बाय झालं तरी आमचं तेच काम चालू. सुबह उठ के हम लोग घर का काम कर लेते, कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा जो भी खाना पीना है, फिर 1 बजे हम लोग काम पे चले जाते. तीन टाइम, सुबह में, दोपहर में, 6 बजे के टाइम पे घर का कचरा जब गिरता ना वो टाइम पे 1 घंटा 1-1 घंटा बैठती. रैक पिकर्स रहते हैं, हम उनको लाइफ का वैल्यू जो उन डेली का उनका पिकअप्स रहता था उनका वैल्यू एडिशंस करते थे. उनके जो भी मटेरियल्स निकलते थे हम उनको बाय करके और उसको प्रॉपर चैनलाइज करते थे रिसाइकलिंग के लिए. प्लास्टिक अलग, पन्नी अलग, कागज अलग, कुट्ठा अलग, सब अलग अलग करते हैं. दिन भर मतलब वही जो कचरा है वही हमको छटिंग करना पड़ता है. सेटिंग करो, फिर उसको अलग अलग करके, फिर अलग अलग थैली में पैक करके फिर बेचो. बेसिकली हमारे पास जो मटेरियल आता है वो मिक्स फॉर्म में रहता है. हम यहाँ पे उसमें प्लास्टिक जैसे पेट बॉटल्स, HDPE, ब्लैक HDPE, पेपर्स में न्यूज़पेपर, पुट्टा, वाइट पेपर्स एंड MLP, पॉलीथीन्स में भी LDPE में बेसिकली पॉलीथीन्स आते हैं, दूध का थैली आता है, फिर उसके बाद PP, ये सब मटेरियल्स हम कैटेगराइज करते हैं. रिसाइकलिंग बेसिकली अगर हम मिक्स पॉलीथीन जिसमें अगर हम यहाँ पे मिक्स पन्नी जिसको लोकल टर्म्स में बोला जाता है अगर वो देखते हैं तो उसमें हम 5 कैटेगरीज पाएंगे. एक आपका आता है HM, एक आता है दूध का पन्नी, एक आता है PP आपका, फिर अगर आता है पॉलीथीन हो जाता है और एक आ जाता है LD में. तो इस सब LDs का जो LD रहती है उसको कुछ रिसाइकलर्स जो हम बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स रहते हैं उसका बनाते हैं, और जो हमारे मिक्स पन्नी रहती है उनको पहले वो लोग अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं. फिर उसके बाद एग्लोमीटर्स रहता है जिसमें वो डाल के उनका जो डस्ट रिमूवल रहता है एंड मॉइस्चर रिमूवल रहता है वो करते हैं. देन एग्लोमीटर्स निकलने के बाद उसका ग्रैनुलेशंस करते हैं. ग्रैनुलेशन करने के बाद उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होता है. तेरी जो बॉटल होता है पानी का उसके अंदर ज़्यादा पैसा है क्योंकि वो 10 रुपया किलो है. अगर वो 10 किलो भी भर गया तो अपने को 100 रुपया उस पर मिलता है. सब मिला के पकड़ लो 60-70 किलो, 300 रुपये. और प्लास्टिक का बाटली मिला तो 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो से तो ज़्यादा नहीं है. पेट बॉटल्स को मिक्स में देते हैं जैसे कि ग्रीन बॉटल्स हो गए, वाइट बॉटल्स हो गए, येलो बॉटल्स हो गए, तो ये मिक्स में जाता है. बट जो एग्रीगेटर्स फर्दर रहते हैं वैल्यू एडिशन करते हैं हम उनको मिक्स में देते हैं, वो फर्दर वैल्यू एडिशंस करते हैं. उसमें वो हर एक कलर्स के बॉटल्स को अलग करते हैं, देन उसका ग्राइंडिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, थ्री टाइम ऑफ वॉशिंग करने के बाद उसका फिर रेजिंस बनाते हैं. तो बाद में टी शर्ट्स, जैकेट्स, इन सब बनाने में यूज़ होता है. सालों से मतलब 6 बच्चे की माँ मैं यहाँ पे हो गई ये जगह पे. अभी तक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया ना हमको घर का कोई ये बोला कि तुमको यहाँ जगह मिलेंगी. सब हमारे डॉक्यूमेंट सब इधर उधर चले गए, कुछ रहा नहीं पास में.